फ्रेंड्स, एआई के अनेक पॉजिटिव पहलू हैं, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है।